दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे महंगे 10 हीरो का नाम। मंड देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इस डायमंड की खोज के बाद दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी डी बियर ने इसे खरीद लिया था। इसके बाद डायमंड कंपनी स्टाइनमैंस ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी एस्कार्ट डायमंड को इसकी कटाई और आकार देने में 3 साल लगे। डी बियर के चेयरमैन रहे हैरी ऑफेनहाइमर ने एक बार कहा था कि यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हीरा है। नोवा द रेड क्रॉस कैरेट 205.07 देश दक्षिण अफ्रीका। यह डायमंड अपने कनारी पीले रंग के लिए जाना जाता है। 205.07 कैरेट का यह डायमंड तकिए के आकार में काटा गया था। इसे कई डायमंड कंपनियों ने नायाब हीरे का खिताब भी दिया है। 8वां द डी बियर कैरेट कैरेट 234.65 देश दक्षिण अफ्रीका। साल 1988 में दक्षिण अफ्रीका में यह डायमंड निकाला गया था। दक्षिण अफ्रीका के किम्बरली परिसर में मिलने वाला यह सबसे बड़ा डायमंड था। यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा हीरा है। 7वां द जुबली कैरेट 265.35 देश दक्षिण अफ्रीका। 1985 में दक्षिण अफ्रीका की खान में द जुबली हीरा मिला था। द जुबली हीरे को रिट्स के नाम से जाना जाता है। इस डायमंड को यह नाम दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रांत के राष्ट्रपति फ्रांसीसी विलियम रिट्स के नाम पर मिला है। 6वां द सेंट मेरी कैरेट 273.85 देश दक्षिण अफ्रीका। यह भी एक बेशकीमती हीरा है जिसे 17 जुलाई 1986 में खोजा गया था। इसका वास्तविक पत्थर 599 कैरेट का था। फिलहाल इसके मालिक स्थान और इसकी कीमत का अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन 1991 में इसकी कीमत 10 करोड़ डॉलर आंकी गई थी। 5वां द स्पिरिट ऑफ दे ग्रिसुगोनो कैरेट 312.24 देश सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। द स्पिरिट ऑफ दे ग्रिसुगोनो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और दुनिया का पहला सबसे बड़ा काला हीरा है। वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में यह हीरा मिला था। आज यह हीरा सफेद सोने की अंगूठी में लगा है। इसके चारों ओर 702 सफेद हीरे जुड़े हैं और जिसका वजन 36.69 कैरेट है। 4वां द कुलिनन कैरेट 317.14 देश दक्षिण अफ्रीका। 3106 कैरेट के कुलिनन पत्थर से काटा गया यह दूसरा सबसे बड़ा डायमंड था। राजा एडवर्ड ने इसे खजाने के शाही मुकुट का हिस्सा बनाया था। इसकी अनुमान कीमत 40 करोड़ डॉलर है। द कुलिनन टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शनी के लिए रखा है। 3रा द इनकम्पेरेबल कैरेट 447.48 देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इस डायमंड के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 1984 के दौरान एक बच्चा मलबे के ढेर के पास इस हीरे के साथ खेल रहा था। इसकी अनुमान कीमत 2 करोड़ डॉलर है। 2रा द कुलिनन 2 कैरेट 530.20 देश दक्षिण अफ्रीका। इसका दूसरा नाम स्टार ऑफ अफ्रीका है। वास्तविक कुलिनन में से काटने वाले 9 हिस्से में से ये सबसे बड़ा हिस्सा है। यह डायमंड 530.20 कैरेट का है जो दुनिया में पाए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। यह हीरा ग्रेट ब्रिटेन के इंपीरियल स्टेट क्राउन के मध्य में जड़ा है। पहला द गोल्डन जुबली कैरेट 547.67 देश दक्षिण अफ्रीका। दुनिया में एक से बेहतरीन एक डायमंड है। इनमें से कई की कीमत भी नहीं लगाई जा सकती। दुनिया का सबसे बड़ा बेशकीमती डायमंड दक्षिण अफ्रीका का है जिसका नाम है द गोल्डन जुबली। यह बेहद चमकदार डायमंड है। 1985 में दक्षिण अफ्रीका में मिले इस हीरे को बेहद खास माना जाता है। 545 कैरेट से ज्यादा का यह डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा तराशा गया डायमंड है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो?
अगर अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस चैनल